मार्केट से भी कहीं ज्यादा बढ़िया सिर्फ दो ही चीजों से तैयार, एकदम कुरकुरी करारी क्रिस्पी और क्रंची मूंगफली की चिक्की। सर्दियों की सबसे खास मिठाई जो हेल्दी है, टेस्टी है, क्रंची है और जिसके बगैर तो सर्दी अधूरी है, वो होती है मूंगफली की चिक्की। ना दांतों में चिपकेगी, ना खिची खिची रबरी बनेगी, पहली बार में ही परफेक्ट बनेगी, ऐसी टिप्स आपको बताने वाली हूँ। सबसे खास बात आज की रेसिपी की, बाजार वालों को वो सीक्रेट खोलने वाली हूँ कि आपकी मूंगफली की चिक्की लंबे समय तक भी वैसे ही कुरकुरी बनी रहेंगी। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी कुरकुरी मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है एक बड़ा बोल कच्ची वाली मूंगफली यानी रॉ पीनट। तो घर की कोई भी कटोरी या कोई कप मेजरमेंट के लिए आप सेट कर लें, पूरा मेजरमेंट आप उसी अनुसार लें, आपको कोई वजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है इसी बोल से एक कटोरी गुड़। तो यहाँ पर ये मैंने देसी वाला गुड़ लिया है जो कि चिक्की के लिए बिल्कुल बढ़िया रहता है, चाहे तो कोल्हापुरी वाला ले लीजिए, इस तरीके का गुड़ रहेगा तो आपकी चिक्की बढ़िया बनेगी, पहली बार में ही टेस्ट अच्छा आएगा। तो यहाँ गुड़ को सबसे जरूरी चीज, इस तरह से आप क्रश करके लें, या तो कद्दूकस से ग्रेट कर लें या आप थोड़ा सा उसको तोड़ करके बेलन से इस तरह लें। इससे क्या होगा कि गुड़ बहुत जल्दी पिघल जाएगा, ज्यादा देर तक हमें उसे पकाना नहीं पड़ेगा तो वो जलेगा भी नहीं। तो यहाँ जो रेशो रहेगा वो बिल्कुल बराबर रहेगा, एक कटोरी अगर आपने मूंगफली ली है तो एक कटोरी आप गुड़ लें। वजन से बोलूं तो दोनों 300-300 ग्राम मैंने मूंगफली और गुड़ लिए हैं। तो यहाँ मूंगफली हम कच्ची यूज नहीं करेंगे, इसे हमें सबसे पहले करना होगा ड्राई रोस्ट। तो आप गैस पर चढ़ाएं एक कढ़ाई, मीडियम फ्लेम पर हम अपनी एक कटोरी पूरी मूंगफली को डाल देंगे और पहले शुरुआत में फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मूंगफली को बिल्कुल बढ़िया से लगातार चलाते हुए गरम कर लेंगे। कोई घी तेल वगैरह कुछ यूज नहीं करना है, मैं आपको हर स्टेप पर सब चीजें बताती जाऊंगी जिससे कि मूंगफली की चिक्की में इस बार आपको 1% भी बनाने में परेशानी ना हो। मूंगफली की चिक्की चिपकी चिपकी बनी है, रबरी खिची खिची लग रही है, दांतों में चिपक रही है, वो कोई शिकायत नहीं आएगी। और मूंगफली के हल्का गर्म होते ही फ्लेम को कर देंगे हम लो मीडियम और लगातार चलाते हुए सिर्फ 3-4 मिनट मूंगफली को भून लेंगे। जितना बढ़िया से लगातार चलाते हुए मूंगफली को भूनेंगे, सब तरफ से समान मूंगफली आपकी रोस्ट होगी और जो आपकी चिक्की बनेगी फिर बहुत ही टेस्टी बनेगी। अच्छी तरीके से भुनी हुई मूंगफली की बात ही कुछ और है, चिक्की में क्रंच बढ़िया आता है। और ये देखिए, आप देख सकते हैं कि मूंगफली में क्रैक्स दिख रहे हैं, छिलके अलग होने शुरू हो गए हैं, बिल्कुल बढ़िया कलर भी आ गया है। तो बस इस स्टेज पर गैस को बंद कर देंगे और एक इस तरह कपड़ा बिछा करके पूरी मूंगफली को निकाल लेंगे। हल्का सा मूंगफली के ठंडा होते ही इस तरह से आप कपड़े से रगड़ें, ये बहुत आसान तरीका है छिलका हटाने का। अच्छी तरीके से मूंगफली को रगड़ रगड़ के इस तरह साफ कर लेंगे। अब आप लीजिए एक छानने वाली ऐसी छलनी ले लीजिए और इस तरह मूंगफली को डाल करके थोड़ा सा हिलाइए, जितना भी लाल वाला छिलका होगा ऊपर का वो सारा निकल जाएगा, साफ मूंगफली हमें इस तरह से मिल जाएगी। और ये लीजिए, मैंने सारी मूंगफली इस तरह से साफ कर ली है। अब आप चाहें तो इस तरह हाथ से इनको इस तरह दो भाग में डिवाइड कर लीजिए, या फिर सबसे आसान तरीका, आप लीजिए इस तरह की कोई कटोरी और कटोरी से हल्का सा क्रश करना है बस, कि ये दो भाग में खुल जाए। जैसे बाजार की मूंगफली की चिक्की होती है ना, आपने देखा ना, बिल्कुल साबुत साबुत नहीं होती, टूटे हुए पीसेस भी होते, तभी वो चिक्की खाने में भी बढ़िया लगती है। तो हल्का सा क्रश कर लेंगे। और ये लीजिए, इस तरह से मैंने मूंगफली को खोल लिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब गैस पर चढ़ाएंगे एक कढ़ाई, फ्लेम को रखेंगे लो मीडियम और लो मीडियम फ्लेम पर जो हमारा क्रश्ड गुड़ हमने तैयार किया था ना, वो सारा इसमें हम डाल देंगे। अब क्रश करने से जैसे मैंने बताया, बिल्कुल भी गुड़ आपका जलेगा नहीं और ओवर कुक नहीं होगा, क्योंकि कड़वाहट आ जाती है गुड़ को मेल्ट करते करते। अगर बड़े बड़े हम पीसेस डालते तो बहुत देर तक गुड़ को हमें मेल्ट करना पड़ता, उससे गुड़ जलने लगता तो फिर कड़वेपन पर आ जाता। तो इस तरह से क्रश करके डालेंगे, जल्दी मेल्ट हो जाएगा। अब साथ ही यहाँ पर जाएगा एक बड़ा चम्मच पानी, बस थोड़ा सा डाल देंगे और बस इस तरह से करेंगे मिक्स और थोड़ा थोड़ा बीच बीच में चलाते हुए गुड़ को पूरा पिघला लेंगे। चिक्की बनाना बहुत ही आसान है, बस कुछ टिप्स पता होने चाहिए जिससे जो हमारी मूंगफली की चिक्की है उसमें जो शिकायत होती है ना कि दांत में चिपक रही है, चुई सी बन गई, रबरी लग रही है, वो सब आपको कोई शिकायत नहीं आएगी जब इन टिप्स को आप फॉलो करेंगे। ये देख रहे हैं कितनी जल्दी मेल्ट होना शुरू हो गया। अब चिक्की में बढ़िया सी शाइन आने के लिए और बढ़िया टेस्ट आने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ एक छोटी चम्मच घी, बस थोड़ा सा डालेंगे जिससे थोड़ी सी शाइनी ग्लेज वाली चिक्की बने, जैसे बाजार की होती है ना मूंगफली की चिक्की, बिल्कुल वैसी। इस तरह लगातार चलाते हुए लो मीडियम फ्लेम पर इसको बढ़िया से हम पकाएंगे कि जब तक इसमें एक बढ़िया से उबाल ना आ जाए, कलर ना चेंज हो जाए। इस तरह लगातार चलाए जरूर, वरना जो गुड़ है वो नीचे तले में चिपकने लगेगा।
और ये देखिए 2 मिनट बाद ना आपको गुड़ कुछ इस प्रकार का दिखेगा, फूला फूला बबल्स दिख रहे हैं। तो इस स्टेज पर हम ये चेक करेंगे कि चिक्की के लिए परफेक्ट गुड़ पका है या नहीं। तो आप लीजिए 1 कटोरी में पानी, ठंडा पानी ले लीजिए या नॉर्मल पानी, और इस तरह से कुछ बूंद आप गुड़ की डालकर देखिए। कुछ क्षण हम रुकेंगे, कुछ क्षण बाद देखिए इस तरह से ना इकट्ठा कीजिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी। अगर आप देखें तो ये इस तरह से खिंच रहा है, यानी ये बिल्कुल भी अभी तैयार नहीं है चिक्की के लिए, इसको टॉफी की तरह टूटना चाहिए। तो अभी हम गुड़ को और पकाएंगे, थोड़ी देर बाद फिर से चेक करेंगे। यहाँ पे जरूरी चीज, अगर गुड़ को कम पकाया तो जो चिक्की है वो चिपकी चिपकी बनेगी, दांतों में चिपकेगी। अगर ज्यादा पका दिया तो चिक्की में कड़वाहट आ जाएगी, तो इस बात का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। तो अभी थोड़ा सा और 2 मिनट इसे और पकाएंगे। तो जब तक गुड़ हमारा पक रहा है एक जरूरी काम और कर लेते हैं। आप लीजिए कोई थाली ले लीजिए स्टील की, या इस तरीके का कोई लकड़ी का चॉपिंग बोर्ड ले लीजिए, या फिर कोई सिलिकॉन शीट हो तो वो ले लीजिए। थोड़ा सा घी लगा करके इसको कर लेंगे बढ़िया से ग्रीस, जिससे कि जब बाद में हम मूंगफली की चिक्की बनाएंगे ना तो उसका जो मिक्स है वो बिल्कुल चिपकेगा नहीं, इजीली उसको तैयार कर पाएंगे। चलिए तो अपने गुड़ की चाशनी को फिर से चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि पहले से जो कलर है गुड़ का काफी डार्क भी हो गया है और कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट लग रही है। इस स्टेज पर फिर से उसी बोल में ठंडा पानी लेंगे और इस तरह से कुछ बूंद डालकर देखेंगे, कुछ क्षण रुकेंगे और ये देखिए कैसे क्रिस्टल की तरह हमारी चाशनी टूट रही है, बिल्कुल टॉफी जैसा टेक्सचर आ गया है। मैं नाखून से तोड़ रही हूँ तो देखिए टूट रही है, बिल्कुल खिंच नहीं रही है, यानी परफेक्ट हमारी मूंगफली की चिक्की के लिए चाशनी तैयार हो गई है। अब इसमें मैं डालने वाली हूँ हलवाई का वो सीक्रेट जिससे बनेगी बिल्कुल बाजार जैसी कुरकुरी चिक्की और लंबे समय तक कुरकुरी रहेगी। ये मैं डाल रही हूँ 2 पिंच सोडा, खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा जो हम सबके घर में रहता ही है। सिर्फ 2 पिंच डालिए, इसको डालते ही आप देख सकते हैं झाग बनने लगेंगे। तो परफेक्ट हमारी चाशनी तैयार है। इस स्टेज पर तुरंत इसमें हम डालेंगे हमारी तैयार क्रश्ड मूंगफली, एक बार अच्छे से करेंगे मिक्स। यही करते हैं बाजार में हलवाई भी चिक्की बनाते वक्त, थोड़ा सा सोडा जरूर डालते हैं जिससे वो जो चिक्की है बहुत ही ज्यादा कुरकुरी और क्रंची बनती है, खाने में बिल्कुल भी दांत पे चिपकेगी नहीं। बढ़िया से मूंगफली को मिलाने के बाद बस गैस को बंद कर देंगे और तुरंत से अपने ग्रीस्ड बोल्ट पर सारे मिक्स को निकाल लेंगे। अब हमें जो चिक्की बनानी है उसको गर्म में ही बनाना है, इसे ठंडा नहीं होने देना क्योंकि ठंडा हो गया तो जम जाएगा, फिर आप इसको शेप नहीं दे पाएंगे। तो आज मैं इसको बिल्कुल मार्केट स्टाइल शेप दे रही हूँ जो कि बहुत आसान भी है, ना ही कोई बेलना वगैरह का झंझट रहेगा। देखिए इस तरह की आप कोई भी स्टील की कटोरी लीजिए जो थोड़ी सी उठी हुई होती है ना, वो ले लीजिए और इसको हल्का सा घी लगा के करेंगे ग्रीस, और तुरंत से अपने गर्म मिक्स में से इस तरह थोड़ा सा मिक्स लेंगे, चाहे तो ग्रीस्ड स्पून से ले लीजिए, और इसको कटोरी में फैलाएंगे। चम्मच की बैक साइड हल्का सा घी लगा लीजिए तो जल्दी हो जाएगा काम, और मीडियम थिकनेस का फैलाएंगे, बहुत ज्यादा मोटा नहीं बहुत ज्यादा पतला नहीं, देखिए इस तरह। चाहे तो इसमें घर वालों की किसी की मदद ले लीजिए क्योंकि गर्म में ही चिक्की को तैयार करना होता है। तो बस स्टील की चाहे तो ऐसी कटोरी हो या गोल कटोरी हो, किसी में भी बस नीचे नीचे हमें थोड़ी सी शेप देनी है। देखिए इस तरह कितनी सुंदर दिख रही है। और अभी ना कटोरियों को इसी तरह रख देंगे, हल्की सी जब ये ठंडी हो जाएगी ना तो इजीली आप इसे कटोरी से निकाल पाएंगे। अब इसी तरह कोई स्टील का ढक्कन हो आपके पास जैसे ये वाला, इसको भी घी से आप ग्रीस कर लीजिए, इसमें बना लीजिए तो बनाना और भी आसान है। लीजिए मैंने सारी चिक्की बना ली है, और इस तरह से बस एक बोल्ट पर आप इसको इस तरह पलटिए कटोरी को, क्योंकि अब हल्की हल्की ठंडी हो गई ना इजीली निकल जाएगी। ये देखिए सुपर परफेक्ट कंसिस्टेंसी टेक्सचर रेशो के साथ जब आप इसे बनाएंगे, इसका रिजल्ट मेरी गारंटी है 100% मार्केट की मूंगफली की चिक्की से कहीं गुना ज्यादा बढ़िया आएगा, खाने में एकदम मस्त बनेगी। मूंगफली भी बढ़िया से हमने सेकी है और जो गुड़ है वो भी बिल्कुल बढ़िया से पकाया है। और देखिए जैसे जैसे ठंडी होती जा रही है इसकी देखिए शेप लेती जा रही है। ये लगभग आधे से एक घंटे के लिए इसी तरह किचन प्लेटफॉर्म पर छोड़ दें, जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए इसकी आवाज से ही आप समझ सकते हैं कि हमारी मूंगफली की चिक्की एकदम कुरकुरी और क्रंची बनी है। और ये मैं आपको तोड़कर दिखाती हूं। सुनी आपने आवाज? अगर ये सही नहीं बनी होती तो इसमें ग्लेज नहीं होता, इस तरीके की शाइन नहीं होती जो आप ये ट्रांसपेरेंसी देख रहे हैं ना, ये इसलिए परफेक्ट बनी है क्योंकि जो हमने गुड़ की चाशनी बनाई है वो 100% बिल्कुल परफेक्ट बनी थी। देखा आपने, बनिया ने एकदम बाजार जैसी, बल्कि बाजार से और भी ज्यादा बढ़िया, एकदम शुद्ध साफ आपके अपने हाथों की बनी हुई, बहुत ही हेल्दी, ढेर सारे आयरन और प्रोटीन से भरपूर,
जो टिप्स मैंने आपको बताई है मूंगफली की चिक्की को बनाने के लिए, बिल्कुल वैसे ही बनाइएगा। 100% नो फेल रेसिपी, ना दांत में चिपकेंगी, ना ये चुई लगेंगी, ना रबरी लगेंगी, और बिल्कुल ऐसे ही क्रंची बनी रहेंगी। और इस तरह से बना करके आप इसे एक एयरटाइट बॉक्स में महीनों के लिए रख सकते हैं। यहाँ पर जो वो शिकायत होती है कि आपस में रखने के बाद चिक्की चिपक जाती है, तो देखिए इस तरीके का कोई फॉइल पेपर ले लीजिए या कोई बटर पेपर ले लीजिए और इसको इस तरह हम इसमें बंद कर देंगे और एयरटाइट बॉक्स में आप इस तरह भर करके रख लीजिए, तो ये आपस में चिपकेंगी भी नहीं, बहुत दिनों तक इसी तरह से कुरकुरी बनी रहेंगी। मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए आज की आपको ये विंटर स्पेशल मूंगफली की चिक्की की रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।